फिफ्थ क्लास. आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम्स. आर लेसन नंबर 5 इज कम्प्लीट. सो टुडे वी विल डिस्कस द सिक्स्थ लेसन, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. योर लेसन नेम इज द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. यानी कि इस चैप्टर के अंदर आप ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि भी कौन सी कंटिनेंट के अंदर कैसी ग्रास पाई जाती है, उस ग्रास को क्या नेम दिया जाता है. आ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद ग्रासलैंड्स. कहते हैं जो हमारी अर्थ का सरफेस है, ठीक है जी, सतह का पार्ट किससे कवर है, ग्रासलैंड से कवर है. एज द नेम सजेस्ट्स, नेम से पता लग जाता है, ग्रासलैंड्स आर प्लेन्स वेयर ग्रास ग्रो. कहते हैं ग्रासेस लैंड कौन से होते हैं, मैदान होते हैं जहाँ पे घास पैदा होती है. ट्रीज एंड हाई माउंटेन्स आर हार्डली सीन हियर. यहाँ पे हमें पेड़ और ऊंचे पहाड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं. दिस रीजन इज लोकेटेड, ये रीजन कहाँ पे होता है, हमारी टेम्परेट रीजन में होता है, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से परे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल में, कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में. इस रीजन को क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड्स बोलते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंटिनेंट्स. रची इसके जो अलग अलग नेम है ग्रासेस के अलग अलग कंटिनेंट्स के अंदर, एशिया में तो क्या बोलते हैं, स्टेपीज, क्या बोलते हैं, स्टेपीज. यूरोप में भी क्या बोलते हैं, स्टेपीज. नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज एंड साउथ अमेरिका पंपस, साउथ अफ्रीका वेल्ट, इन ऑस्ट्रेलिया डाउंस, क्या बोलते हैं, डाउंस, ठीक है जी. ये अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग ग्रासलैंड्स की नेम है. देखो रोचित, यहाँ पे हमारे जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे पाई जाती है. यहाँ पे देखो प्रेरीज, ठीक है जी, साउथ अमेरिका में कौन सी पाई जा रही है, पंपस है उसका नेम, ठीक है जी. एशिया और यूरोप की तरफ जा रही है, ये कौन सी है, स्टेपीज है. और अफ्रीका के अंदर कौन सी है, साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड है. एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रासलैंड का नेम क्या है, डाउंस है. क्या है, डाउन. ऑल दीज ग्रासलैंड्स, कहते हैं ये जो ग्रासलैंड्स होती है, हैव रिच सॉइल, जो इसकी मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है. बिकॉज ऑफ दिस आर लार्ज एरिया ऑफ ग्रासलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड टू फार्म्स फॉर ग्रोइंग फूड. कहते हैं रजी, जो आजकल जो ग्रासलैंड्स वाले एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या लगाई जाने लगी है, अब फार्म्स बन चुके हैं खाना लगाने के लिए, मतलब अलग अलग फसलें लगाने के लिए. द ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एग्जाम्पल प्रेरीज एंड स्टेपीज, लाई इन द हायर लेटीट्यूड एज कम्पेयर टू द वंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर. पंपस द वेल्ट एंड द डाउन, दीज क्रॉप्स ओनली बी ग्रोन इन द वॉर्मर मंथ्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. कहते जो पेरीज और स्टेपीज एरिया है वहाँ पे क्या लगाई जाती हैं, फसलें लगाई जाती हैं, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है जहाँ पे पंपस वेल्ट और डाउन्स ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं, वहाँ पे जो फसलें लगती हैं वो किस में लगाई जाती हैं, यानी कि वॉर्मर मंथ्स, गर्मियों के महीनों में लगाई जाती हैं, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. फिर है क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है जो ग्रासलैंड वाले एरियाज होते हैं. द ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट. कहते हैं जो ग्रासलैंड्स है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ग्रासलैंड्स क्या है, कंटिनेंट्स के मिडल में लोकेटेड है. इसीलिए जो ये रीजन है, गर्मियों के अंदर तो क्या आते हैं, हॉट होती है, लेकिन विंटर्स के अंदर क्या आ जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं. और इन हॉट विंड्स को क्या बोलते हैं, चिनुक. ब्लो इन द स्प्रिंग ओवर द प्रेरीज हेल्प टू मेल्ट द स्नो. ये समुंदर से चलती है, पहाड़ों से चलती नीचे आती हैं और क्या करती हैं, इससे बर्फ मेल्ट होती है एंड मेक ग्रेजिंग पॉसिबल. जैसे ग्रेजिंग क्या हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफन ब्लो इन द ग्रासलैंड्स. खेती वहाँ पे बहुत काफ़ी तेजी से हवाएं बहती हैं ग्रासलैंड्स के अंदर. बिकॉज क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, ना तो पहाड़ होते हैं ना ही क्या होते हैं, पेड़ होते हैं जो इन हवाओं को धीमा करें. जो सदर्न हेमिस्फीयर में है उसमें ग्रासलैंड्स कहाँ पे लोकेटेड है, नियर कोस्टेस, यानी कि समुंदरी मैदानों के पास है. यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है. मॉडरेट यानी कि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है. विंटर मंथ्स में भी कहते जो वहाँ पे हमें कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है, मॉडरेट क्लाइमेट को देखने को मिलता है. जो यहाँ का मतलब ठीक है क्लाइमेट क्या रहता है, प्लेजेंट, खुशनुमा रहता है, सारा साल भर अच्छा रहता है क्लाइमेट. फिर है प्लांट लाइफ, यानी कि वहाँ पे पौधों, कैसे तरह के पौधे पाए जाते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टॉल ग्रास एरियाज एंड शॉर्ट ग्रास एरियाज. कहते हैं इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, टॉल ग्रास एरियाज, शॉर्ट ग्रास एरियाज. सिंस देयर इज नो रेनफॉल इन द प्रेरीज रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, द ग्रासेज आर
टोल कहते चाहे नॉर्दर्न जो हेमिसफियर है नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है प्रेरीज का, वहाँ पे कहते चाहे बारिश इतनी नहीं होती है लेकिन वहाँ की ग्रास क्या होती है टोल होती है बहुत ज़्यादा। इन द स्टेपीज जो स्टेपीज ग्रास लैंड है कहते सिंस द इन्फ्लुएंस ऑफ कंटिनेंट्स द क्लाइमेट इज मोर एंड ग्रासेज आर शॉर्ट, चाहे यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन वहाँ पर घास क्या होती है छोटी होती है। द सॉइल ऑफ द टेम्परेट ग्रास लैंड इज वेरी फर्टाइल, जो टेम्परेट ग्रासलैंड की मिट्टी होती है वो क्या होती है बहुत उपजाऊ होती है। द रूट्स ऑफ द ग्रास ग्रो डीप इनटू द सॉइल कहते जो ग्रासेस की जो जड़ें होती हैं ठीक है जी वो मिट्टी के बहुत अंदर चली जाती हैं एंड प्रोवाइड द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या लेती है वहाँ से वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेती हैं व्हेन दे डाई और एंड रोट जब ये क्या होते हैं मर जाते हैं और कच्ची रोट होती हैं। द सॉइल इज होम टू स्मॉल मैनी स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स कहते जो ये मिट्टी है इसके अंदर छोटे छोटे क्रिएचर्स यानी कि जीव रहते हैं जैसे कि वॉर्म्स और इंसेक्ट्स विच ऐड टू द रिचनेस ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के अंदर क्या करते हैं फर्टिलिटी को ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कहते सॉइल की उपजाऊ शक्ति के कारण दीज रीजन्स ऑल हैज लार्जली बीन कन्वर्टेड इन टू एग्रीकल्चर लैंड, इसीलिए इन रीजन्स को खेती के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया इस ग्रास लैंड में क्या लगाई जाती है एग्रीकल्चर की जाती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ग्रास क्या है ड्राई और ब्राउन हो जाती है कब विंटर सीजन में एंड इवेंचुअली डाई यानी कि ख़त्म ही हो जाती है बिकॉज बट द रूट्स रिमेन बरीड इन द सॉइल, लेकिन जो उसकी जड़ें होती हैं ठीक है जी ग्रास की वो मिट्टी के अंदर दब जाती हैं एंड ग्रो अगेन इन स्प्रिंग, और जब बसंत का मौसम आता है तो उसमें फिर से दोबारा से ग्रास आ जाती है। द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर डू नॉट गेट सो कोल्ड इन विंटर्स, इसीलिए जो टेम्परेट ग्रास लैंड है सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पर विंटर्स में ज़्यादा ठंड नहीं होती है, इसीलिए जो सदर्न हेमिस्फीयर की ग्रास है वो सारा साल हरी भरी और अलाइव रहती है यानी कि जिंदा रहती है। अब है एनिमल लाइफ की भी वहाँ पे जानवर कैसे पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू अ वैरायटी ऑफ रोडेंट्स लाइक रैट हियर रैपिड्स प्रेरी डॉग्स एंड हैमस्टर, यहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं ठीक है जी। सम ऑफ द लार्ज एनिमल्स ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे बड़े बड़े जो जानवर पाए जाते हैं दैट इज बिजन एंड ग्रिजली बियर्स। इन द सदर्न हेमिस्फीयर में लामास एनाकोंडास फाउंड कहते वहाँ पे एनाकोंडास वगैरह पाए जाते हैं। एनिमल्स सच एज डियर एंटीलोप लॉइन चीता लियोपार्ड एलिफेंट जिराफ हिप्पोपोटमस आर फाउंड इन द वेल्ड एरिया, जो वेल्ड ग्रास है वहाँ पे ये वाले जानवर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रासलैंड्स आर होम टू कंगारूज कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं कंगारूज वॉल बेबीज और कोलास पाए जाते हैं। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड कहते हैं यहाँ पे भी क्या है माइग्रेटरी बर्ड्स हो कि जैसे मौसम चेंज होता है तो वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो वो वाले बर्ड्स पाए सच एज स्वेलो यानी कि ये वाली स्वेलो पाई जाती है। Many small animals of this region such as squirrels and hedgehogs hibernate in winter कहते यहाँ पे छोटे छोटे animals squirrels hedgehogs भी हमें सर्दियों में देखने के लिए मिलते हैं। Thank you all of you, tomorrow we will discuss the human life of temperate grasslands, thank you all of you, now you have to read this chapter carefully, bye bye.